नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर थाना सिविल लाइन में दिनांक 24 फरवरी 2024 की रात मारपीट में घायल शैलेश श्रीवास्तव उम्र 28 निवासी एम्स पब्लिक स्कूल के सामने गायत्री नगर जिला कटनी को उपचार हेतु जबलपुर अस्पताल में भर्ती कराए जाने की सूचना पर पहुंची शैलेश श्रीवास्तव ने बताया कि वह एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रिस्क कंटेनमेंट यूनिट और बैंक ऑफ इंडिया के बगल में सिविल लाइन जबलपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह अपने ऑफिस रोज कटनी से जबलपुर आना जाना करता है। दिनांक 24 फरवरी 2024 की शाम लगभग 5:40 पर अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से कटनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर पैदल जा रहे थे, तभी 3 लड़कों ने हम पर चाकुओं से हमला कर भाग गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने पर 2 अज्ञात व्यक्ति रैकी करते हुए पाए गए। पतासाजी करने पर दोनों की पहचान गौरव पटेल एवं शुभम प्यासी के रूप में हुई है। पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने सुपारी देकर 3 हमलावरों से हमला करने के बाद स्वीकार की। पुलिस ने 3 आरोपियों को विभिन्न धारा के तहत हिरासत में ले लिया है। ये दिनांक 24 फरवरी को शाम में लगभग 5 बजे अलाहाबाद चौक के पास एक शैलेश श्रीवास हैं जो एसडीबी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हैं, इनके साथ एक चाकूबाजी की घटना 3 बाइक पर सवार लड़कों के द्वारा की गई थी जिन्हें नकाब भी लगा हुआ था। इसमें ये उस टाइम पे ब्लाइंड जो है चाकूबाजी की घटना थी। इसमें जब सीएसपी ओमती के मार्गदर्शन में टीआई सिविल लाइन और सिविल लाइन की पूरी टीम ने मेहनत की तो इसमें शैलेश श्रीवास जो बैंक में काम करते हैं इनके द्वारा दो जो व्यक्ति फाइनेंस का काम करते हैं उनका फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन किया गया था घटना से लगभग 1 महीने पहले। जो गौरव और शुभम है इनके द्वारा कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की जा रही थी, जब उनको शैलेश श्रीवास के द्वारा पकड़ा गया था तो उन्होंने ये प्लानिंग की और राजा के माध्यम से और 3-4 लड़के जो चाकूबाजी करते हैं उनको हायर किया और इन्होंने शैलेश श्रीवास के साथ जो है चाकूबाजी की जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए और 307 धारा अंतर्गत थाना सिविल लाइन में जो है FIR दर्ज की गई थी। इसमें अभी तक 5 जो आरोपी हैं जिन्होंने चाकूबाजी में जो संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गौरव और शुभम की जो प्लानिंग थी उनके लिए भी टीम्स लगी हुई हैं। ये फ्रॉड जो है गलत आईडी वगैरह लेकर के अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए ये जो है फाइनेंस करवाते थे। इनका 1 से 1.5 इनके ऊपर पहले से कोई मामला नहीं है। इनके रिसेंटली इनके द्वारा जो विक्टिम है उनके द्वारा फ्रॉड्स पकड़े गए थे लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।